बार्क ने टेलीविजन चैनल्स के इस साल के 22वें हफ्ते के आंकड़े जारी किए हैं और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने वाला इंग्लिश न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी, जो कि काफी समय से नंबर वन पर था, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद अब नंबर दो के पायदान पर खिसक गया है। आइए आपको बताते हैं कि बार्क के ताजा आंकड़ों के हिसाब से किस हिंदी और इंग्लिश न्यूज चैनल को कौन सा स्थान मिला है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने हाल ही में टेलीविजन चैनल्स की रेटिंग जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही न्यूज चैनल्स में भारी गिरावट देखी गई। बार्क ने इस साल के 22वें हफ्ते के जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें इंग्लिश न्यूज चैनल्स में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बार्क की ताजा रेटिंग के हिसाब से इंग्लिश न्यूज चैनल्स में 22वें हफ्ते में CNN न्यूज 18 2173 इंप्रेशंस के साथ 5वें पायदान से छलांग लगाकर पहले स्थान पर आ गया है। 21वें हफ्ते में चैनल को 772 इंप्रेशंस मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने वाला और काफी समय से नंबर एक पर रहने वाला रिपब्लिक टीवी इंग्लिश न्यूज चैनल नंबर दो पर आ गया है। रिपब्लिक टीवी 1114 से अब 1827 इंप्रेशंस पर पहुंच गया है, जबकि चुनावी हफ्ते में रिपब्लिक पहले स्थान पर था। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने रिपब्लिक टीवी को लॉन्च किया था। टाइम्स नाउ पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार एक पायदान खिसक कर 1201 इंप्रेशंस के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि पिछले बार ये नंबर दो पर था। डीडी इंडिया भी एक पायदान खिसक कर 704 इंप्रेशन के साथ तीसरे नंबर से इस बार चौथे नंबर पर आ गया है और इंडिया टुडे पिछली बार चौथे स्थान पर था, वो इस बार 537 इंप्रेशन के साथ 5वें नंबर पर खिसक गया है। अगर हिंदी न्यूज चैनल्स की बात करें तो यहाँ पर आज तक की बादशाहत कायम है। आज तक 21वें हफ्ते की तरह ही इस बार भी 1,80,445 इंप्रेशन के साथ नंबर एक पर बना हुआ है। इंडिया टीवी लोकसभा चुनाव के बाद एक पायदान ऊपर आ गया है। पिछले हफ्ते इंडिया टीवी तीसरे नंबर पर था, जो कि इस बार 1,36,544 इंप्रेशन के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। रिपब्लिक भारत ने भी एक पायदान की छलांग लगाई है। रिपब्लिक भारत इस बार 1,33,561 इंप्रेशन के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है, जो कि 21वें हफ्ते में चौथे नंबर पर था। न्यूज 18 इंडिया भी एक पायदान ऊपर आ गया है। 21वें हफ्ते में न्यूज 18 इंडिया 5वें नंबर पर था, जो कि इस बार 1,29,795 इंप्रेशन के साथ चौथे नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर एबीपी न्यूज के साथ हुआ। एबीपी न्यूज 21वें हफ्ते में नंबर दो पर था और 22वें हफ्ते में 1,18,246 इंप्रेशंस के साथ 5वें नंबर पर आ गया है। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।